हेलो एवरीवन नमस्कार कुमार राहुल आकाश अमित अनुराग रचना विवेक मुलायम यादव नीरज भारद्वाज कहाँ गायब थे भाई नीरज बी हुए तो टाइम हो गया अर्चना मोहम्मद अफजल राजमन कर्मा मुदित सिंह अभय शंकर पांडे जीत कृपाल सिंह रावत नो नॉनसेंस एजुकेशन रणधीर गौर कपिल सैया राज बघेल अंशु पांडे महेश गुप्ता हमिद त्रिपाठी लकी द्विवेदी बिट्टू चौहान मयंक कुमार खुशबू मलिक अंकुर मिश्रा अरविंद चौधरी आदित्य सैनी दिव्यकान्त त्रिपाठी कैसे हैं पी के यादव रोहित तुईके सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन ऑनलाइन में तो भाई क्या किया जाए सब लोग राजा हैं आप लोग संतोष अरविंद अच्छा सबसे पहले एक राहुल ने काफी पहले ये आकर ओवरऑल एक बात लिखी थी कि प्रिलिम्स के लिए क्योंकि एक ये भाव तो देखिए बच्चों में है ही स्पेशली हिंदी माध्यम के बच्चों में कि प्रिलिम्स निकलता नहीं है और ये सारा विश्लेषणात्मक चर्चा मशवरा ये सब रखा रह जाता है जब हम मेंस लिखेंगे तब तो हम इसका उपयोग कर पाएंगे राहुल की बात बड़ी तर्कसंगत है बड़ी मौजू है तो हाँ पी के यादव जी मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ लखनऊ का बाशिंदा हूँ मूलतः लखनऊ के पास एक जगह है उन्नाव लेकिन मैं अभी नोएडा में रहता हूँ वो भी यूपी में ही है तो पूरी तरह यूपी बढ़िया हूँ दिव्या बढ़िया तुम्हारी पीएचडी कैसी चल रही है बात नहीं हुई बहुत दिन से इलाहाबाद आना जाना छूटा तो तुम लोगों का साथ भी साथ में छूट गया लेकिन टच में रहो यार तुम लोगों से बड़ी उम्मीदें हैं रमेश नीतीश आकाश अर्नव जो लोग नए जुड़े हैं सबको हेलो तो देखिए मैं बात कर रहा था प्रिलिम्स की है ना प्रिलिम्स की तो बेटा प्रिलिम्स में मतलब जो हमारा मैं जो पढ़ाता रहा हूँ ऑफलाइन की दुनिया में और जो मेरा तरीका है काम करने का इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो प्रमुखता थोड़ा सा गहन अध्ययन पर केंद्रित होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो पॉलिटी हो इसका मूल जो मतलब एक थोड़ा विश्लेषणात्मक बिंदु वो मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है बट प्रिलिम्स को मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि प्रिलिम्स में मैं जो सहायता कर सकता हूँ क्योंकि मैं करेंट अफेयर्स में काफ़ी कुछ इन्वॉल्व हूँ अब इन दिनों और करंट भी एक अलग दृष्टिकोण की थोड़ी अपेक्षा अब रखता है जिस तरह के प्रश्न आते हैं आप लोग निराश हो जाते हैं पेपर के बाद अपने दायरे को हम सबको बढ़ाना है लगातार बढ़ाना है तो राहुल और बाकी वो लोग जिनको हालांकि मैं फेसबुक वगैरह पे समय समय पे लिखता रहा हूँ हर बार डालना ठीक नहीं लगता कि क्लास है आओ 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 लोग काफ़ी मतलब मतलब एक बार सूचना हो गई तो बहुत है भाई जितने भी लोग हैं पांच ही हज़ार लोग हैं फेसबुक में जुड़े हुए तो पचास बार डाल दिया तो जिसको करना है उस तक सूचना पहुँची जाती है तो मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि जैसे कल संडे को छः बजे स्पेशल क्लास लेता हूँ पूरे हफ्ते का जो भी प्रिलिम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं छोटे 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 कई टॉपिक्स उस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाकर ये मैं हर संडे को छः बजे से साढ़े सात बजे तक एक क्लास लेता हूँ पूरी तरह फ्री है तो आप लोग उस दबाव में मत रहिए कि अपना प्रोडक्ट ये बेच रहे हैं नहीं आपको सिर्फ अन का ऐप डाउनलोड करके उसमें मुझसे जुड़ जाइए और हर संडे छः से साढ़े सात अमूमन बीस पच्चीस टॉपिक हम हफ्ते भर में जो भी पीआईबी में हिंदू में एक्सप्रेस में जो कुछ प्री के हिसाब से सूचना परक चीज़ें हैं सब कराता हूँ अब उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कराता हूँ तो और थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ तुरंत सब कुछ कैप्चर हो गया तो उसको करिए है ना और उसमें जो पहली बार जो लोग जुड़ेंगे तो कोड मांगेगा तभी आप क्लास में पहुंच पाएंगे तो मेरा ही कोड यूज़ कर लीजिएगा शरद त्रिपाठी सिक्सटीन ठीक है लिख दू कोड है मेरा नाम शरद त्रिपाठी वन सिक्स सिक्सटीन ठीक है ये जैसे ही कोड डालोगे तो आपको एक्सेस हो जाएगा एक बार करना है उसके बाद हमेशा आप कर सकते हैं तो इस क्लास का लाभ उठाइए राहुल तो काफी कुछ आपको इसमें शाम को शाम को छह से साढ़े सात शाम को हर संडे होता है है ना तो इसको स्पेशल क्लास का लाभ उठाइए चलिए बात को शुरू करते हैं बाकी मैं समय समय पर YouTube पर भी आपसे कनेक्टेड रहूँगा कोशिश करूंगा कि अब जैसे मुख्य परीक्षा अभी हो रही है तो हो जाए चारों पेपर हो जाए दो आज हो गए दो कल हो जाए उसके बाद अच्छा अच्छा चलिए सब ऑफलाइन के ही ज़्यादातर क्योंकि ऑनलाइन वाले तो प्लस पे मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं ना मैं रोज वहाँ पे डीएनए लेता हूँ डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस तो वो वहाँ से जुड़ जाते हैं सबको प्रणाम भाई जो लोग नए जुड़े हैं सब लोग प्रभु सिंह सैनी अरविंद चौधरी सब लोगों को बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत शुभकामना गिरजेश सिंह सब लोग हाँ लकी एकदम सही समझाए सोलह मेरा बाकी सोलह साल का तो मैं कहीं से लगता नहीं हुआ है ना तो वो जन्म तारीख है मेल आईडी हम लोग बनाते थे तब यही सब ध्यान में आता था ठीक चलिए आज की जो यात्रा है जल्दी से उस तक पहुंचते हैं एक अमेरिका का जो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है उसने भारत के डिजिटल सर्विस टैक्स के ऊपर एक आपत्ति दर्ज करी है और एक बदले की प्रतिकारात्मक कार्यवाही की भी धमकी दी है इस खबर के मर्म को समझेंगे वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स लगातार सातवें महीने भी एक उसमें उठान देखी जा रही है एक सर्ज देखा जा रहा है ये वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स ये इंपॉर्टेंट हो गया इसकी बेसिक दो तीन बातों को समझाऊंगा। प्रलिम्स के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंडियन एक्सप्रेस से जो बिजनेस ऑफ डाइवर्सिटी करके एक एडिटोरियल टाइप का था जर्मनी की सरकार ने एक फैसला लिया है जेंडर जस्टिस को लेकर लैंगिक न्याय की संकल्पना को लेकर इस फैसले को इसको थोड़ा सा समझेंगे कि लैंगिक न्याय की दृष्टि से ये क्यों क्रांतिकारी है चौथी खबर आज के हिंदू की फ्रंट पेज न्यूज है आधे से ज्यादा जो हमारे सैन्य बलों में जो हमारे सैनिक हैं वो बहुत ही चरम तनाव के शिकार हैं और इसको लेकर कुछ बिंदु क्योंकि ये बार बार ये इशू इमर्ज होता है और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है उनको अगर हम काम करने लायक एक तर्क संगत न्यायोचित स्थितियां ना उत्पन्न कर पाए तो ये एक बड़ा मुद्दा है इसके कुछ कारणों को बिंदुओं की विश्लेषणात्मक बिंद बातों को देखेंगे ओवरऑल हिंदू में आज एक एडिटोरियल है जो आ, उन्नाव हाथरस के बाद जो बदायूं गैंगरेप का जो पूरा संदर्भ है इसमें कुछ बातें जो एडिटोरियल में हैं उसको सही तर्क से समझेंगे हिंदू में ये एक और ख़बर इम्पोर्टेंट मुझे दिखी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कन्फेशन के खिलाफ जो एक याचिका जो आई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या नजरिया अपनाया है ये पूरा मसला क्या है और धार्मिक आज़ादी से किस तरह इसको रिलेट करके देखना है इस पर एक विचार बनाएंगे एक छोटी सी खबर लेकिन भारत पाक के बीच कुछ भी सकारात्मक हो तो हमारे विषय क्रम में आना चाहिए तो भारत पाक ने चरम तनाव और चरम निराशावाद के दौर में भी द्विपक्षीय संबंधों में एक अच्छी पहल दिखाई है इसके कुछ तकनीकी बिंदुओं को बताऊंगा उत्तर प्रदेश से एक और खराब खबर हमारे ही गृह जनपद उन्नाव के पास की खबर कुछ युवाओं का एक वीडियो वायरल हुआ था जो गैंजेटिक डॉल्फिन को मारने को लेकर तो ये गैंजेटिक डॉल्फिन बार बार पूछता है यूपीएससी थोड़ा सा इसको इसकी जो विषय वस्तु है उसको देखेंगे चाइना ने तीसरा संस्करण साउथ एशिया मल्टीलेटरल मीट का जो किया है इससे क्या चुनौतियां खास तौर से भारत की विदेश नीति में दक्षिण एशियाई संदर्भ में उभर रही हैं इस पर एक संक्षिप्त चर्चा करूंगा एक इंडियन एक्सप्रेस में एक बड़ा अच्छा एक्सप्लेनर है कि ओवरऑल इकोनॉमिक जो संकट का वर्तमान दौर है इसमें एग्रीकल्चर की एक विशिष्ट भूमिका किस प्रकार है पुराने जो इस तरह के जो ओवरऑल संकट थे उनसे तुलनात्मक एक विषय क्रम को यहाँ समझना है और आखिर में रिटर्न ऑफ बर्ड फ्लू ये आज के इंडियन एक्सप्रेस में एक और एक्सप्लेनर है मैं इस पर बात कर चुका हूँ लेकिन संक्षेप में फिर इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे तो ये पूरी आज की विषय वस्तु है और आगे बढ़ें उससे पूर्व आपको पुनः सूचित करूं यूपीएससी जीएस और ऑप्शनल को मिलाकर जीएस और ऑप्शनल को मिलाकर अन जो देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये कॉम्बो ऑफर आपको दे रहा है आप दोनों में संयुक्त तौर पर एक बहुत बड़ा अब तक का सबसे बड़ा जो एक डिस्काउंट है वो इसमें दिया जा रहा है और हमारे प्लस के दो कोर्सेज बेसिकली हैं एक जिसको हम आइकॉनिक कहते हैं और एक नॉर्मल प्लस दोनों में ही लाइव क्लासेज आपको पूरी मिलती हैं टेस्ट सीरीज क्विजेज स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज़ हैं अनलिमिटेड एक्सेस है कोई ये नहीं चार बार पांच बार कितनी बार देखना है कुछ नहीं आप जितने भी साल के लिए एनरोल्ड हैं एक साल दो साल तीन साल तब तक आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सारे टीचर्स की सारी क्लासेज आप देख सकते हैं यही सुविधा आपको ऑप्शनल में मिलती है आइकॉनिक में थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं कि आपको पर्सनल मतलब आपका एक टाइम टेबल बनाना आप कितना आगे पीछे चल रहे हैं क्या आपकी दिक्कतें हैं काउंसलर टाइप का भी आपके साथ रहता है और मेंस वगैरह के आंसर्स वगैरह के लिए भी आपको थोड़ा व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिलता है तो इतना अंतर है और आइकॉनिक में बाकी सब चीज़ें समान हैं तो ये हमारा जो फी स्ट्रक्चर अभी है एक साल दो साल तीन साल का ऑफलाइन की तुलना में काफ़ी और ई की सुविधा भी है ये भी अच्छा है तो अगर एक साथ इतना पैसे देने की देने से बचना चाहें तो आप इसको ई के थ्रू भी कन्वर्ट करा सकते हैं एडमिशन लेने पर अगर आप हम लोगों के कोड का इस्तेमाल करते हैं मेरा कोड मैंने बताया अभी शरद त्रिपाठी सिक्सटीन तो आपको दस परसेंट की अतिरिक्त छूट भी मिल जाती है चलिए ये सामान्य सूचना के बाद हम विषय पर वापस आते हैं पहला विषय अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय जो संबंधों का जाल है उससे एक बात को ले रहे हैं और ये सिर्फ भारत या अमेरिका के बीच का विषय क्रम नहीं है इसमें बेसिकली कई और देश शामिल हैं जिनसे ट्रंप का अमेरिका अब तो ये कहना पड़ेगा ट्रंप का अमेरिका तो अमेरिका इटली के साथ टर्की के साथ फ्रांस के साथ भी काफी कुछ इस मुद्दे पर गुत्थम गुत्था रहा समझते हैं कि ये क्या विषय है और क्या हमको इसमें दृष्टिकोण देखना चाहिए तेजी से इस बात को करते हैं देखिए यूएसटीआर क्या है कि अमेरिका के वाणिज्यिक हितों को अमेरिका के व्यापार और वाणिज्यिक हितों को केंद्र में रखकर ये संस्था है जो अलग अलग देशों के नियम कानूनों को वो अमेरिका के लिए कितने अच्छे बुरे हैं उसका विश्लेषण करती रहती है और इसी में एक उनका स्पेशल थ्री ज़ीरो वन प्रावधान है जिसमें वो इंक्वायर करते हैं उसकी पड़ताल करते हैं और अगर किसी देश की किसी नीति से अमेरिकी आर्थिक व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंच रहा है तो ये इस बात को हाईलाइट करते हैं सरकार के समक्ष कि उस देश के विरुद्ध कुछ कदम उठाए जाने चाहिए तो इस वजह से ये यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ये बहुत इम्पोर्टेंट ग्लोबली माना जाता है अब इन्होंने जो भारत ने एक डिजिटल सर्विस टैक्स डी ठीक है और ये मत मानकर चलिएगा कि ये सब सिर्फ मेंस की बातें में मैं करता हूं इसमें कई चीजें सब प्रिलिम्स में अलग अलग तरीकों से पूछी जा सकती हैं पूछी जा, जाएंगी तो ये सब में आप थोड़ा सा विषयों को बहुत बांट कर देखने की जरूरत नहीं है एक चीज समझते चलिए उसी से काफी कुछ प्रिलिम्स भी होगा इंडिया का डिजिटल सर्विस टैक्स जो अप्रैल दो से जो जिसको प्रस्तावित किया गया एक अप्रैल से उसको डिस्क्रिमिनेटरी भेदभाव परक घोषित किया यूएस टी आर ने क्यों क्योंकि उन्होंने कहा कि ये नॉन रेजिडेंट्स को टारगेट करता है नॉन रेजिडेंट्स के लिए जो व्यापार कर रहे हैं उनको आप अलग से टारगेट कर रहे हैं आपने इसमें रेजिडेंट जो आपके यहाँ बिजनेस कर रहे हैं उनको नहीं शामिल किया तो ये विभेद परक है ये पहला आरोप उनका दिखता है ये जो डिजिटल सर्विस टैक्सेस है ये पर्म के रेवेन्यू पर लगाया गया जबकि हमेशा ऐसे टैक्सेस इनकम पर लगाए जाते हैं आप टोटल रेवेन्यू पर कैसे टैक्स लगा सकते हो आपको इनकम पर लगाना चाहिए था इस वजह से ये जो वैश्विक टैक्स प्रिंसिपल्स हैं उनका उल्लंघन करता है ये दूसरी बात यहाँ पर कही गई ये दूसरा पक्ष यहां पर कहा गया तीसरी बात किसी भी फर्म को इस वजह से किसी कंट्री के कॉरपोरेट टैक्स में नहीं आपको डालना चाहिए अगर उसका कोई टेरिटोरियल कनेक्शन ना हो मतलब वो उस क्षेत्र में काम ना करती हो कंपनी इसको कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन यानी आपने अपनी टेरिटरी से बाहर किसी स्थापित कंपनी को अपने टैक्स नियम से उसको प्रभावित किया तो ये तीन प्रमुख यूएसटीआर के आरोप हैं इस विषय पर इसका जवाब जो है उसको भारत सरकार ने अधिकृत तौर पर दिया भारत ने कहा कि अमेरिका ने जो प्रोप करी है अपनी यूएसटीआर ने उसमें इस बात को इग्नोर कर दिया कि 2016 में जो डोमेस्टिक फर्म्स को हमने लेवी किया था उस बात को उन्होंने नहीं ध्यान में लिया और कह रहे हैं कि भेदभाव है

सीमा में नहीं है लेकिन भारत में जो बाहर से धंधा कर रहे हैं उसको आप टैक्स नहीं कर रहे तो इनफैक्ट चीज़ें उल्टी हैं अगर हम न लगाए मतलब ये गूगल और फेसबुक और इनके ऊपर टैक्स तो जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं उनको ये कहना चाहिए कि आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं तो इस प्रकार ये भारत का जवाब है तर्क संगत पूरी तरह लॉजिकल जवाब है आप इस बात को मानेंगे उसके बाद एक तर्क भारत का ये है कि ये जो वैश्विक आप कर की बात कर रहे हैं कर व्यवस्था की उसको अगर देखें तो ये रॉयल्टी और टेक्निकल फीस ये सब जो चीज़ें होती हैं ये कभी भी इनकम पर नहीं लगती ये हमेशा रेवेन्यू पर ही लगती हैं और ये हम ऐसी ही कंपनीज के ऊपर लगा रहे हैं जो इसी श्रेणी में आती हैं सीधी सी बात है कि हम इनकम को क्यों मानेंगे हम रेवेन्यू पर ही लेवी लगाएंगे यानी हम वहाँ पर भी ठीक हैं तीसरा तर्क भारत ने दिया कि ऑलमोस्ट सारे अमेरिकी राज्यों में इस तरह के रिमोट सेलर्स पर जो रिमोटली कहीं कुछ आकर बेचते हैं ऑब्वियसली ई कॉमर्स के थ्रू या जो मार्केट प्लेस फेसिलिटेटर थे उनको टैक्स किया जाता है भले ही वो नॉन यूएस रेजिडेंट एंटिटीज़ हों तो आप अपने ही देश में राज्यों के स्तर पर कानून ऐसे चलाओगे कि उन लोगों को टैक्स कर सको और हम जब टैक्स लगाएं तो कहोगे कि ये इंटरनेशनल टैक्स लॉस के अगेंस्ट है ये सब बहुत आ, कहते हैं ना कि ओवरऑल बहुत ही आ, दो मही बातें हैं बहुत ही आ, एक एक तरह से अपने लिए कुछ और नियम दूसरों के लिए कुछ और नियम तो इसमें कोई दम नहीं है और भारत ने कहा कि नहीं हमारी पूरी रणनीति इस विषय पर ठीक है तो भारत फ्रांस इटली टर्की इन सब ने अमेरिकी कंपनियों के ऊपर इस तरह के टैक्सेस लेवीज लगाई थी और उस बात को लेकर ये जद्दोजहद जो है चल रही है सेक्शन थ्री जीरो वन याद रखिएगा पीटी के लिए खासतौर से पहले पूछा भी गया है काफ़ी पहले फिर आ सकता है क्योंकि बार बार चर्चा में आ रहा है सेक्शन 301 में इन्वेस्टिगेशन करा है यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने ऑफिस ने कि क्या ये डिजिटल टैक्सेस ठीक हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद उनका मानना है कि ये टैक्स ठीक नहीं है विरोध में तीन कारण दिए जो अभी हमने समझे हैं तो बात को इस दृष्टि से पूरी तरह देखिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा हमारा कहना है कि पूरी तरह ये नियम कानूनों के दायरे में है इसमें किसी तरह की कोई भी ये दो परसेंट की इक्वलाइजेशन लेबी करके इन कंपनियों के ऊपर ये हमने अधिभार डाला था इस बात को भी ध्यान में रखिएगा और भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस लेबी को लगाने के पीछे जो मूल उद्देश्य है कि हम एक फेयर कंपटीशन, एक न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा क्रिएट कर सकें युक्त युक्तता रीजनेबलनेस लाई जा सके और हम ओवरऑल जो गवर्नमेंट की जो एबिलिटी है टू टैक्स बिज़नेसेस जिनमें एक बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन है यानी भारत के बाजार से जिस भी बिजनेस का जिस भी आर्थिक गतिविधि का बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है उसको हम टैक्स कर सकें सरकार के रूप में ये हमको सुनिश्चित करना है और ये हमारी सरकार ने किया तो ये हमारा जवाब ओवरऑल यहाँ पर दिखेगा अब इसमें ओवरऑल अमेरिका जो प्रतिरोध की राजनीति ट्रंप तो अपने बाकी के कार्यकाल में मुझे नहीं लगता कि कुछ खास कर पाएंगे बट बाइडन प्रशासन अगर इस बात को आगे बढ़ाता है तो अमेरिका क्या कर सकता है अमेरिका ड्यूटीज लगा सकता है हमारे कुछ प्रोडक्ट्स पे इंडियन गुड्स पे इस तरह कुछ फीस इम्पोर्ट इम्पोज कर सकता है कुछ वस्तुओं सेवाओं पर आयात के प्रतिबंध लगा सकता है ये सारी चीजें हैं और देखना होगा भविष्य में कि क्या इस तरह की प्रतिक्रिया वो अपनाता है मिलाकर हमने अपनी बात को तर्कसंगत तरीके से रखा है ये हमारा पक्ष है ये पूरा विषय था दूसरा मुद्दा जो एक छोटी सी खबर है लेकिन मैं चाहूंगा कि आप वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स को एक अच्छे विषय के तौर पर देखें पीटी के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स ठीक है इस विषय को थोड़ा गंभीरता से देखें और इसको थोड़ा सा भारतीय संदर्भ में भी देखें भारतीय संदर्भ ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि भारत में भी आप देख रहे हैं कि ग्रोथ की तो ठीक ठाक एक उम्मीद जता रहे हैं अलग अलग अभी अधिकृत एस्टिमेट भी एडवांस पहला पहला एडवांस एस्टिमेट भी आ गया है आज हिंदू में वो भी एडिटोरियल है पर कुछ ख़ास दम नहीं था इसलिए उसको लिया नहीं पर इतना तो है कि उम्मीद से कहीं ज़्यादा बेहतर आपको जी या जी जो भी मानिए उसमें Uh, सुधार की संभावनाएं लगातार आंकड़े अब बता रहे हैं बट उसके समानांतर जीडीपी जीबीए के समानांतर इन्फ्लेशन भी एक बड़ी चुनौती है और ये बड़ा खतरा इसलिए है कि इन्फ्लेशन लगातार जो बढ़ रहा है या बढ़ा हुआ बना हुआ है नीचे नहीं आ रहा उसमें फूड इन्फ्लेशन ये सबसे बड़ा घटक है इस पर हमने कई लेख करे फूड इन्फ्लेशन पेंडेमिक में वैसे भी जो सबसे कमज़ोर हैं जो सबसे वल्नरेबल सबसे संक्रमणशील जो वर्ग है उसके ऊपर सबसे बड़ी मार पड़ती है अगर फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा रहे क्योंकि वो बहुत एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं खाना तो सबको चाहिए ना तो ऐसे में वो इन्फ्लेशन एक दो धारी तलवार कि काम है नहीं आमदनी है नहीं या बढ़ नहीं रही और खाद्य जो मुद्रा स्फीति है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है तो ये जो भारतीय संदर्भ है इंडियन जो सिनेरियो है यही आपको दिखेगा वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स और दुनिया में भी क्या है ओवरऑल ज़्यादा लोग तो अभावग्रस्त ही हैं वंचित ही हैं ऐसे में वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स सातवें महीने लगातार दिसंबर में अगर ये बढ़ता हुआ इसमें बढ़ोतरी दिख रही है तो ये एक बड़ा खतरा है जिसको ए ने एफ ए बड़ी इंपॉर्टेंट संस्था है नोबल पुरस्कार मिलने के बाद और इंपॉर्टेंट हो गई ये ध्यान रखिएगा फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एफ ए तो एफ ए ने जो ये चिंता हमारे सामने रखी है कि इसके ऊपर काम करना होगा नहीं तो दुनिया में बड़े लोग कहीं जो अनिवार्य खाद्य आवश्यकता है उससे वंचित ना होने लगे इस बात को लेकर थोड़ा सा हम इस विषय को आगे बढ़ाते हैं सिर्फ कुछ बुनियादी एक दो चीज़ें आप तक पहुंच एक बात कि जो हमने चर्चा करी कि इन जनरल जो वैश्विक जो खाद्य मूल्य सूचकांक है उसमें बढ़ोतरी दिख रही है और यूनाइटेड नेशंस की ये फूड एजेंसी इस बात को लेकर चिंताग्रस्त है ये आप देख सकते हैं कि एक ग्राफ के थ्रू अलग अलग वेजिटेबल ऑयल्स सीरियल्स डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट शुगर इन सब का मिलाकर ये सूचकांक बनता है तो सीधे से देखें तकनीकी पक्ष कौन इस सूचकांक को बनाता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये इस वैश्विक खाद्य सूचकांक का निर्माण करता है इसमें नापा किया जाता है और कितनी फ्रीक्वेंसी पर इंडेक्स बनता है मंथली है हर माह तभी तो हमने ऊपर हेडलाइन पढ़ी कि सातवें माह लगातार इसमें वृद्धि दिख रही है तो इसकी जो पीरियोडिसिटी है जो आवृत्ति है वो है मासिक मंथली और इसमें किन चीज़ों की मूल्य को इसमें शामिल किया जाता है सीरियल्स ऑयल सीड्स डेरी प्रोडक्ट मीट और शुगर ये कंपोनेंट्स हैं इसीलिए आपको इस ग्राफ में दिखेगा कि इन्हीं चीज़ों का अलग अलग सबका ग्राफ है कि किसका मूल्य सूचकांक किस तरह साल दर साल महीने दर महीने अब ये 2019 से अभी पूरे 20 तक का है और आप देखिए कि ज़्यादातर कॉमोडिटीज़ में आपको एक चढ़ाव आपको यहाँ पर दिखेगा ठीक है तो ये पांच प्रोडक्ट्स को इसमें इम्पोर्टेंस दी जाती है और कोरोना काल के बाद स्पेशली आप देखेंगे मार्च के बाद यहाँ से देखिए मार्च के बाद आपको एक स्टीप प्राइस इसमें ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में दिखेगा और यही ये, ये 2020 का जो आंकड़ा है इस सूचकांक का देखिए मार्च के बाद किस तेज़ी से ये ऊपर गया है और यही चुनौती है अगर इससे हम लोग नहीं लड़ पाए तो वैश्विक स्तर पर भूखमरी की स्थिति भी आ सकती है इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है फूड प्राइस इंडेक्स इसको हमें महत्व देना चाहिए एक आखिरी बात ध्यान रखिएगा इसमें कि अभी तक हमारा जो जब से ये सूचकांक बन रहा है 2011 में इसका ऐतिहासिक जो चरम है वो देखा गया था हम उस ऐतिहासिक जो चढ़ाव था उससे अभी भी 25 परसेंट नीचे हैं वी आर स्टिल 25 फाइव परसेंट डाउन फ्रॉम दिस पीक लेकिन अगर हम वर्तमान समय का आंकलन करें तो ये भी बहुत उच्च मुद्रा स्फीति एक बहुत इन्फ्लेशन है फूड इन्फ्लेशन इसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस बात को हम यहाँ पर देख सकते हैं अगला विषय ये इंडियन एक्सप्रेस में जो एक एडिटोरियल था बिजनेस ऑफ डाइवर्सिटी जर्मनी ने महिलाओं को कॉरपोरेट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं जिसको बोर्ड रूम कहा जाता है और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन बोर्ड रूम्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठकर बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेट कंपनीज़ हैं उनके डिसीजन्स लिए जाते हैं उनके महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं जैसे संसद में महिलाओं का एक निश्चित संख्या में होना ज़रूरी है क्योंकि तो संसद कानून बनाने का देश का सबसे बड़ा मंच है और अगर उसमें महिलाओं की यथोचित सहभागिता नहीं होगी तो निश्चित तौर पर देश में जो कानून बनेंगे उनमें महिलाओं को लेकर आपको एक जो कहना चाहिए कि उचित नजरिया एक तो वो नहीं मिलेगा दूसरा एक निर्णय निर्माण डिसीजन मेकिंग जिसको कहते हैं उसमें महिलाओं को जब तक एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं मिलेगी तब तक आपको लैंगिक जो अन्याय रहा है जो लैंगिक समानता रही है वो भी टूटती नहीं दिखाई देगी तो इन जनरल आपके पाठ्यक्रम में सिलेबस में है रोल ऑफ वेमेन रोल ऑफ वेमेन और हालांकि मैं मेंस पर एक अलग अभी परिचर्चा लूंगा आपके साथ कि हर बार की कहानी है वो बट जो प्रश्न आ रहे हैं उसको देखकर थोड़ा सा ये आंकलन करते चलिए कि किसी भी सरल से सरल जैसे सामाजिक मुद्दों में मैं देखता हूँ कि जो भी लोग पढ़ा रहे हैं पढ़ रहे हैं उनमें क्या उतनी गंभीरता है कि जिस तरह के प्रश्न आ रहे हैं वो आप ट्रीट कर पाए ठीक है तो सिर्फ ये नहीं है कि रॉक कट स्कल्पचर पर अगर आ गया सवाल तो रॉक कट मैंने पढ़ा था उसके आगे सवाल पढ़िए कि जो पढ़ा है उसके बेसिस पर जो सवाल पूछा है वो क्या आप करने की स्थिति में हैं और नहीं हैं तो फिर कहीं ना कहीं और गंभीर अध्ययन मनन की ज़रूरत है अब दिक्कत ये है एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के बीच का जब अंतर खत्म कर दिया गया आप भी क्लासों में बैठकर बेंच पीटते रहे ठहाके लगाते रहे आपने कहाँ सोचा कि मैं जिस लक्ष्य के लिए काम कर रहा हूं उससे इसमें क्या होगा ठीक है तो लोग चुटकुले सुनाते रहे आप चुटकुले सुनते रहे तो अब जिम्मेदारी तो दोनों को मिलकर निभानी होगी आप जानते हैं मैं थोड़ा कठोर बोलता हूँ लेकिन पढ़ने वाले लोग भी तो कितने रह गए परिणाम पर खाली छाती पीटने से क्या होगा परिणाम तो तब आएगा ना जब उस तरह से कुछ हमारे कर्म होंगे थोड़ा सा कर्म केंद्रित रहिए जो ज़रूरत है पेपर को देखकर उसकी परीक्षा को समझिए और उस गंभीरता से काम करिए तभी मामला बनेगा तो रोल ऑफ वुमेन जो आपके पाठ्यक्रम में एक विषय है इसमें महिलाओं की भूमिका ये तो अलग-अलग क्षेत्रों -अलग में क्यों महत्वपूर्ण है ये पढ़ते हैं और फिर महिलाओं की भूमिका क्यों कमजोर हो गई अलग-अलग क्षेत्रों -अलग में उसको भी पढ़ते हैं और तीसरा एस्पेक्ट है कि महिलाओं की भूमिका को कैसे हम सशक्त बनाएं उसके लिए क्या प्रयत्न अपेक्षित हैं उसको भी पढ़ते हैं इस तीसरे वाले विषय से जोड़कर आप इसको देख सकते हैं कि जर्मनी जो खुद एक महिला द्वारा संचालित देश है एंजेला मर्कल वहाँ पर चांसलर हैं राष्ट्र प्रमुख हैं ऐसे में उनको भी बड़ा जद्दोजहद करना पड़ा कि ये कानून बन जाए तो किसी भी देश में जहाँ पितृसत्ता पुरुष प्रधानता हावी है वहाँ आसान नहीं है महिलाओं के लिए अपना रास्ता बनाना भले ही उनकी जो नेता हैं वो ओवरऑल महिला हैं तो इस बात को यहाँ पर समझना होगा और इस तथ्य को क्या भारत में भी हम इंप्लाई कर सकते हैं इस बात को हमको यहाँ देखना हो एक सामान्य सी बात जो फॉर्च्यून 500 यानी दुनिया की जो सबसे बड़ी 500 कंपनियां हैं मार्केट कैप के हिसाब से उसमें देखिए कितनी कंपनियां महिलाएं उसमें सीईओ हैं मुख्य कार्य प्रमुख हैं तो ये आंकड़े हैं आपके सामने और ये दिखाते हैं कि स्थिति बहुत बहुत ही भयावह रही है पिछले कुछ वर्षों में देखें तो आपको बत्तीस चौबीस तैतीस सैंतीस इसके आसपास है लेकिन एक लंबा दौर वो देखिए और ये हम इक्कीसवीं शताब्दी की मोटे तौर पर बात कर रहे हैं गिनती भर महिलाएं और ये अनायास नहीं है ये ऐसा नहीं है कि संयोग मात्र है ये एक बहुत सोची समझी बड़े शताब्दियों से निर्मित एक पुरुष प्रधानता का एक अंतिम निष्पत्ति है इसका फाइनल आउटपुट है और इसको बदला तभी जा सकता है अपने आप बदलने में बहुत समय लगेगा इसीलिए जर्मनी ने जब ये अनिवार्य बना दिया कि आपको अनिवार्यतः बोर्ड में महिलाओं को रखना होगा तो इससे आपके यहाँ बदलाव दिखता है आप देखिए ये एक और बहुत महत्वपूर्ण चित्र है जिसके माध्यम से आप तस्वीर को देख सकते हैं ये दिखा रहा है कि अलग अलग देशों को हम इस रूप में देख सकते हैं कि महिलाएं सीनियर और मिडिल जो प्रबंधकीय जो स्थितियां होती हैं उसमें सीनियर लेवल पर और मिडिल लेवल पर कितने प्रतिशत महिलाएं हैं तो अलग अलग अब देखिए ये सबसे अच्छी स्थिति है जो गहरा पर्पल रंग आपको दिख रहा है जैसे आपको यहाँ दिख रहा है जैसे आपको आ, अमेरिका में दिख रहा है मोटे तौर पे तो ये चालीस से पचास प्रतिशत यानी आधी आबादी को कम से कम आधा रिप्रेजेंटेशन मिले ये स्थिति बहुत गिने चुने देशों में है भारत की स्थिति देखिए दस से बीस परसेंट के बीच ठीक है तो हम कमज़ोर में आते हैं जीरो से पांच परसेंट के बीच में देश हैं ऑब्वियसली पाकिस्तान होगा पाँच से दस दस से बीस बीस से तीस तो ज़्यादातर दुनिया आपको जो दिखेगी वैसे ही दस से तीस के बीच में है आधी आबादी को न्याय मिलना बाकी है इस संदर्भ में अब जर्मनी के इस फैसले को इस कानून को समझते तो जर्मनी की कैबिनेट ने एक कानून को मान्यता दी है जिसमें यह मैंडेटरी बना दिया गया अनिवार्य बना दिया गया बड़ी बड़ी जो लिस्टेड कंपनियां हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होंगी वो वैसे भी एक निश्चित स्तर से ऊपर की कंपनी होंगी उनको अपने बोर्ड में एक महिला को अनिवार्यतः स्थान देना होगा ये कानून है और जर्मनी में जो रूलिंग कोएलिशन है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन जिसको एंजेला मर्कल लीड कर रही हैं उसने ओवरऑल प्राइवेट कंपनीज़ में भी ओवरऑल uh, इस बात को देखते हुए कि निजी क्षेत्र में भी जो जेंडर इक्वालिटी का जो विकास क्रम है बोर्ड रूम्स में लेकर वो बहुत धीमा है इसलिए हम मजबूरी में ये कानून बना रहे हैं ये जर्मनी के लिए बड़ा मसला इसलिए है कि जर्मनी उन देशों में शामिल है जहां सरकारें बाजार को या आर्थिक तौर पर जो कंपनियां गतिविधियां कर रही हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है उसको गलत माना जाता है ठीक है मार्केट लैसे फेयर मार्केट अपने आप को खुद कंट्रोल करेगा बट ऐसे देश में भी उनको ये कानून बलपूर्वक लागू करना पड़ा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जेंडर इक्वालिटी का, का काम बहुत धीमा दिखा तो उन्होंने कानून बना दिया एक औरत एक महिला को कम से कम आपको बोर्ड में रखना होगा अब इस बात को लेकर वहाँ घटनाक्रम बना हुआ है चुनौतीपूर्ण लेकिन एंजिला मर्कल सरकार का कहना है कि महिलाएं जर्मनी में सिर्फ 12 प्रतिशत जो इस तरह के मैनेजमेंट बोर्ड्स हैं उसमें सिर्फ 12 परसेंट उनकी संख्या है और अमेरिका में ये 28.6 परसेंट है यूके में साढ़े चौबीस परसेंट है फ्रांस में भी 22.2 परसेंट है तो ये वो देश हैं जिनसे जर्मनी अपनी हमेशा तुलना कर सकता है सारे विकसित हैं सारे एक जैसी लगभग सामाजिक आर्थिक विकास की परंपरा में है ऐसे में क्या कारण है कि जर्मनी में जो ये कॉरपोरेट वर्ल्ड है उसमें फीमेल पार्टिसिपेशन इतना कम है उसको बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया है और ओवरऑल इस एक तरह का आरक्षण ही हो गया इसको लेकर जर्मनी में थोड़ा सा उठा पटक भी आपको दिखेगी तो वैश्विक तौर पर ये दिखता है कि इस तरह जो भी जहाँ पर भी महिलाओं की प्रतिस् जो सहभागिता है वो बहुत ख़राब है वहाँ पर अगर थोड़ा कानूनी तौर पर कोटा वगैरह उसमें डाला जाए तो क्या इससे कुछ लाभ होता है नहीं होता है इस पर कोई निश्चयात्मक कोई स्टडी तो नहीं है लेकिन जर्मनी को ये लगता है कि इससे हम लोग बेहतर एक लैंगिक जो माहौल है उसको हम बेहतर कर सकते हैं तो ये पूरा घटनाक्रम इस दृष्टि से आपको दिखेगा भारत में अगर इससे तुलना करें तो भारत में से भी पहले ही ये रेगुलेशंस बना चुका है कि मैंडेटरी है कि अगर कोई भी लिस्टेड फॉर्म है तो उसको एटलीस्ट एक महिला डायरेक्टर अपने बोर्ड में रखनी होगी तो आप देखिए ऐसे मसलों में हम जर्मनी से पहले ही हमारी जो बाजार को रेगुलेट करने वाली कंपनी से भी है वो उसको एक तरह का मैंडेटरी प्रोविज़न दे चुकी है लेकिन इसके बाद भी जो अनुपात है प्रोपोर्शन ऑफ़ वुमेन बोर्ड डायरेक्टर्स जो निफ्टी 500 कंपनीज़ हैं सबसे बड़ी 500 कंपनीज़ उसमें 20% परसेंट से ऊपर अभी तक महिलाओं की सहभागिता नहीं हो पाई है तो टोटल बोर्ड की कंपैरिजन में एक से कुछ नहीं होता ये टोटल जो आ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें ट्वेंटी भी महिलाएं डिसीजन मेकिंग बॉडी में नहीं हैं तो इसको और स्ट्रेंदन इस करने की ज़रूरत है तभी आप ये जो असमानता है जेंडर के बेसिस पर कास्ट के बेसिस पर इनकम के बेसिस पर ये जो भारतीय संस्थाओं में एक अनिवार्य स्थिति है इससे हम थोड़ा सा उभर सकते हैं ये बात हमको देखनी होगी अदरवाइज ये अन्याय का माहौल ऐसे ही बना रहेगा तो ये पूरा एक विषय था इसको आपने देखा आज के हिंदू की ये फ्रंट पेज न्यूज़ जो है इससे कुछ बातों को समझना है हमारे आधे से अधिक जो सेना में जो हमारे सैनिक हैं वो गंभीर मानसिक यंत्रणा से गुज़र रहे हैं सीवियर स्ट्रेस का शिकार हैं और जिन सैनिकों पर देश की सुरक्षा और इतनी गंभीर जिम्मेदारियां हैं वो अगर इस मनोवैज्ञानिक स्थिति में है तो ये निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय राष्ट्रीय मनस में होना चाहिए और इसी बात को हम लोग अलग अलग स्तरों पर यह स्टडी जो हुई है इस स्टडी को और इसके विभिन्न बिंदुओं को हम लोग देखने का प्रयत्न करते हैं ये पूरा तस्वीर है ओवरऑल फैक्टर्स क्या हैं प्रमुख कारक क्या है क्या ये स्थिति है तो हम दो तीन बिंदु इसमें देखते हैं पहला ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है ये बेसिकली बहुत लंबे समय तक जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस या काउंटर टेररिज्म जो ऑपरेशंस हैं उत्तर पूर्व में हो या जम्मू कश्मीर में हो या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हो वहाँ पर बहुत लंबे समय तक जब इनको हमारे सैन्य बलों को जब लगाया जाता है उसकी वजह से उनको इस तरह के अवसाद का शिकार होना पड़ता है दूसरी बात जो अनुसंधान में इसमें शामिल सामने आई है डिनाइल ऑफ लीव एंड वेलफेयर प्रॉब्लम्स आप छुट्टियां समय पर ना मिलना बाकी जो कल्याण पर कार्यक्रम जो इतनी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सैनिक काम करते हैं वो भी उनको पर्याप्त नहीं मिलती उनको और तो और प्रॉपर एकोमोडेशन नहीं मिलते आपने देखा होगा चुनाव ड्यूटी व्यूटी में भी कहीं अगर सैन्य बलों को भेजा जाता है तो किस तरह का उनको गाड़ियों में ही सो रहे हैं मतलब तो बहुत ही एक तरह से अमानवीय स्थितियों में प्राय़ रहना पड़ता है ये सब चीज़ें भी उनके मन पर उनके मन स्थिति पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डालती है तीसरी बात इस अनुसंधान में आई है कि नेतृत्व जो है पुअर लीडरशिप बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें कई बार जिस तरह आ, कुछ ऐसे नेतृत्वकर्ता होते हैं जिनका व्यवहार अच्छा नहीं होता ह्यूमिलिएट करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को क्योंकि डिसिप्लिन बहुत पैरामाउंट होता है अनुशासन बहुत बड़ा है तो उससे कहीं ना कहीं वो एक अवमानना का बोध भी बढ़ जाता है और ये लीडरशिप क्वालिटीज़ को नहीं डिपिक्ट करता इससे भी ये स्ट्रेस पैदा होता है सोल्जर्स जो हैं वो हेल्पलेस फील करते हैं क्यों क्योंकि वो अपने परिवार और पारिवारिक दायित्वों को परिवार से मिलना पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाना समय समय पर ये भी उनसे नहीं हो पाता इसके अलावा मैरिटल फाइनेंशियल और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी शारीरिक कई बार समस्याएं भी जिनको पर्याप्त उस पर ध्यान नहीं दे पाते तो वो फिर मानसिक समस्याओं में भी बदल सकती हैं तो पूरा अगर लब्बो लुआब देखें इस पूरे शोध का जो किया गया सैनिकों पर और जिसके बड़े चौंकाने वाले निष्कर्ष हैं अगर आधे से ज़्यादा सैनिक अगर स्ट्रेस में हैं तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है बहुत बड़ी एक तरह से चेतावनी है इसको सीरियसली आई एम वाइट कॉन्फिडेंट कि गवर्नमेंट इसको लेगी और अभी कुछ दिन पहले ही हमारे गृह मंत्री ने इस आशय का एक आदेश भी दिया है कि पूरी जांच कराकर सब जितने भी हालांकि वो अर्धसैनिक बलों के लिए था कि जिसको भी पर्याप्त छुट्टियां नहीं मिली पिछले कई वर्षों में उनको तुरंत जो स्वीकृत छुट्टियां साल में हैं उसके हिसाब से उनको छुट्टियां दी जाएँ और नई भर्तियां भी तेजी से इन बलों में हो क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स कहीं ना कहीं उसकी कमी भी आपको दिखती है क्या सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं इस ऐसी स्थिति से बचने के क्रम में इस बात को भी देखते हैं कई कदम उठाए गए हैं जैसे प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी ऑफ मैरिड एकोमोडेशन क्लोदिंग फूड एंड रिक्रिएशन फैसिलिटीज तो जो आ, विवाहित जो आ, आ, सैनिक हैं जिनके परिवार हैं शादीशुदा हैं उनको एक डिसेंट ऐसा एकोमडेशन हो कि अगर नॉन कॉम्बैट जोन में है तो परिवार साथ में रह सके खासतौर से नीचे के स्तर पर जो काम करते हैं हमारे लो रैंक्स में उनके उन सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण है उनके कपड़े खाद्यान्न उनकी जो रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ हैं उस पर ध्यान दिया जा रहा है इसके अलावा लीव पॉलिसीज़ को लीव पॉलिसीज को थोड़ा सा लिबरलाइज करने की बात है उनको योगा मेडिटेशन और बाकी थोड़ा सा स्ट्रेस मैनेजमेंट के प्रति आए दिन आप देखते होंगे रामदेव जी जा जाकर जटिल स्थानों पर सेना को योगा वोगा सिखाते रहते हैं योगा को एक प्रैक्टिकली मतलब योगा इंस्ट्रक्टर्स भी सेना में शामिल हो रहे हैं ऐसी भी हम खबरें पढ़ते हैं इसके अलावा साइकोलॉजिकल काउंसलर्स को पूरा उनकी ट्रेनिंग और उनको बाकायदा तैनात किया जा रहा है क्योंकि ये वाकई बहुत विषम स्थितियों में हमारे ये बहादुर सैनिक काम करते हैं तो उनकी सैन्य ट्रेनिंग के साथ साथ उनका मन भी अच्छा रहे स्वस्थ रहे उसके लिए भी काउंसलिंग की जरूरत है उसको भी अब टेक्निकली लिया जा रहा है इसके अलावा मिलाप सहयोग ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जो उत्तर पूर्व में जो हमारे सैनिक काम कर रहे हैं उन सैन्य बलों को थोड़ा स्ट्रेस कम करने के लिए एक संस्थागत प्रयत्न इस तरह के चल रहे हैं मानसिक सहायता एक हेल्पलाइन शुरू की गई जिसमें आ, कहीं पर भी किसी भी तरह का क्योंकि तो डिसिप्लिन में होता क्या है कि वो बोल नहीं पाते अंदर अंदर महसूस करते हैं घुटते हैं बट अपने सुपीरियर से या साथियों से बोल नहीं पाते तो ये हेल्पलाइन है इसमें ऐसे हमारे सैनिकों की सहायता की जाती है मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस पर भी बढ़ाने पर बल है इसे किसी ऐसे जैसे होता है ना हमारे यहाँ कि इसको बड़ा नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है वो भाव ना हो उसको लेकर भी काउंसलिंग हो रही है और मिलिट्री जो है वो साइकेट्री ट्रीटमेंट सेंटर्स भी अलग अलग लोकेशंस पर स्थापित हो रहे हैं तो ये सारे कदम भी उठाए जा रहे हैं जिससे कि सेना में इस तरह की बात को आगे ना बढ़ने दिया जाए और इसको हम लोग नियंत्रित रखें तो ये पूरा इसका सार था इसके थ्रू आप इस बात को देख सकते चलिए मैं देख रहा था कि कुछ सवाल अवाल तो नहीं आए जिसका कि मैं थोड़ा सा अंतर क्रियात्मकता बनी रहे नहीं भैया दिव्य गलत गलत तुक्का मारे हो आप <laughs> बर्थडे का मेरा ओवरऑल एनालिसिस चल रहा है चलिए थोड़ा सांस ले रहा हूं भाई इसमें तो बोलते बोलते अब है ऑनलाइन में बड़ा मेहनत का शादी मामला है चलिए कौन समझेगा इन आंखों की नमी का मतलब जिंदगी रेत थी जिल्द बनाने में कटी है ना तो समय है क्या भाई मुकेश एक क्लास क्या करना है एक क्लास मेन की पता नहीं समझ नहीं पाया आपकी बात अरे छोड़ो यार हमारा बर्थडे क्या करोगे जान के जिसका बर्थडे याद रखना चाहिए उसका याद रखना नहीं बहुत पिटाई होगी आप उम्र के इस दौर में है ना अपने अपने द्विपक्षीय संबंध जो हैं वो सब मजबूत रखिए भाई चलिए ये जो हिंदू में आज एडिटोरियल है ये बदायूं की उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संदर्भ में है और भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा ही इसका मतलब उन्नाव हुआ फिर हाथरस हुआ अब बदायूं हो गया और हर बार घटना होती है उससे पहले निर्भया कांड ने देश की अंतश्चेतना को बड़ा झिझोड़ा था बड़ी भ्रकुटियाँ तनी थी कि अब आ, इसको ऐसी चीजों को ऐसी पार्श्विक प्रवृत्तियों का निराकरण होना चाहिए इस एडिटोरियल में कुछ ऐसा नहीं है कि ये जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन वाला जो मसला है संदर्भ है उसका कोई विश्लेषण नहीं है ठीक है लेख में आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं एक तो ये कि जब भी ऐसा कोई इतना जघन्य अपराध होगा महिलाओं के विरुद्ध तो इस विषय पर क्या क्या लेख लिखा जा सकता है कोई ये लेख लिख सकता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है इसके पीछे क्या प्रवृत्तियां हैं जो उत्तरदायी है या किसी राज्य विशेष की राजनीतिक उस पर लिखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में ही ऐसा बार बार क्यों हो रहा है वहां पे गवर्नेंस में क्या प्रॉब्लम है कुछ कुछ इश्यूज हैं ठीक है उस पर लिखा जा सकता है पॉलिटिकल आर्टिकल या कोई सुधारक टाइप का आदमी होगा तो वो ऐसे लिख सकता है कि भाई क्या किया जाए कि ऐसी चीज़ों को ऐसी आ, दुर्दांत घटनाओं को हमें बार बार ना पढ़ना पड़े अखबारों में है और उसी में यह सब भी हो सकता है कि क्या क्या किया गया हालिया समय में सरकारों के द्वारा जिससे कि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके कुल मिलाकर यही तो परिधि है यही तो न्यूक्लियस है जिस पर सारी चीज़ें फोकस्ड हैं अब बात को समझिएगा इसमें इन सब का थोड़ा थोड़ा निचोड़ है लेकिन मैं खास पर्पज से ये एडिटोरियल आपके लिए लिया है चैन चैन की स्वतंत्रता कम होती है हालांकि सात्रे साहब कह गए मनुष्य स्वतंत्र होने को अभिशप्त है बट हमें ओवरऑल ये देखना होगा कि एक एटीट्यूड है एक दृष्टिकोण है जिसको हमेशा मीडिया ऐसी घटनाओं के बाद सामने लाता है उनको कोई ना कोई मिल ही जाता है जिसके ऊपर वो पूरा हिकरा फोड़ दे अगर तो मामला ज़्यादा मानवीय है तो तो ये पहुंच जाएंगे वो भी वैन लेके और सब जगह वहाँ धरना दे देंगे और कोशिश करेंगे कि आठ दस दिन तक उसको सब हमारी आपकी सबकी संवेदनाओं को कहीं ना कहीं भुनाया जा सके या जब उतना नहीं लगता कि भाई इतना नहीं लोगों में क्योंकि बहुत रिपीटेड हो रहा है तो लोग उतना इंटरेस्ट भी खो देते हैं थोड़ी कड़वी बात है लेकिन भाई चलती दुनिया ऐसे ही है क्या करोगे यहाँ पर ये देखिए कि पूरा एडिटोरियल एक बात पर केंद्रित है कि एक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एन की सदस्य हैं चंद्रमुखी देवी जी वो गई वहाँ पीड़िता से मिलने और उन्होंने कोई बयान दे दिया उस बयान के ऊपर ही पूरा एडिटोरियल केंद्रित है उस बयान पर पूरा एडिटोरियल केंद्रित है कि भाई इतना इनसेंसिटिव इतनी असंवे, असंवेदनशील वो भी महिलाएं हैं अगर राष्ट्रीय महिला आयोग में ऐसे लोग बैठे हैं तो फिर महिलाओं के साथ न्याय की अपेक्षा करना बेकार है दूसरा उत्तर प्रदेश में हुआ है तो उत्तर प्रदेश सरकार को तो अब हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस है तो ये तो कोई अवसर खोएंगे नहीं और यही मुझे प्रॉब्लम देखती है कि हम कब इस वाद से ऊपर उठेंगे कि आप घटना देखिए उसकी विभत्स उसको देखिए तो ये राजस्थान में हो या उत्तर प्रदेश में हो या केरल में हो क्या हम इस आधार पर अब इस चीज़ को इसका फैसला करें इसका विश्लेषण करें कि अब ये तो पूरे देश में इस तरह का माहौल है अच्छा जो ये बयान है इसके थ्रू मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ आप थोड़ा ध्यान से देखिए पचास वर्ष की एक आंगनवाड़ी वर्कर थी जो रात के समय कहीं किसी के कहने पर गई और उसमें भी कुछ सांप्रदायिकता का भी पुट है मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ बेकार में बात को कहीं से कहीं लाए मैं सिर्फ इतना आपसे कह रहा हूं कि ये जो बयान है इनका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो सदस्य हैं चंद्रमुखी जी ये हैं आपके समक्ष अगर हम ओवरऑल इस बयान की पड़ताल करें उन्होंने कहा आई टेल वुमेन अगेन एंड अगेन दैट दे शुड नेवर गो आउट शुड नेवर गो आउट एट ऑड आवर्स एनी उन्होंने ये संदर्भ किया कि मैंने बार बार अपील करी है इस देश की महिलाओं से कि इतनी रात को ऑड आवर्स में ठीक है आपको इस तरह बिना किसी अः साथी के उन्होंने ये भी लिखा कि किसी बच्चे को ही परिवार के साथ ले लेती तो शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होती अब मीडिया को एक मिल गया कि बताइए ये कह रही हैं औरतों से कि आप बाहर मत जाइए रात को ये ये नहीं कह रही हैं कि राज्य में और देश में कानून व्यवस्था महिलाओं के लिए अच्छी नहीं है फिर उसके बाद आगे इन्होंने इस एडिटोरियल में आप देखेंगे कि महिलाओं ने इतनी तरक्की करी और साइंस टेक्नोलॉजी सब चीज़ों में महिलाएं कहां से कहां पहुंच गई और दूसरी तरफ हमें अपने देश में ऐसे बयान सुनने को मिलते हैं कि महिला अगर रात में बाहर गई तो उसने खुद आफत को न्योता दिया अब मैं आपसे यहां चाहता हूं वैचारिक तौर पर आप दो बातों के बीच अंतर करें एक तो देखिए कि इस तरह के अपराध ये किसी राज्य में किसी की सरकार हो ना हो उत्तर प्रदेश में ही हमने पहले बाकी राज्यों की बाकी दलों की भी सरकार देखी है अपराध कमोवेश वैसे ही रहते हैं ठीक है अब किसी बहुत ही अब आ, जो भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं वो अपराधियों को लेकर जिस तरह का मोर्चा खोला हुआ है हम सब परिचित हैं सुप्रीम कोर्ट में आए दिन ये जो एनकाउंटर पुलिसिंग है इसके ऊपर चर्चा होती है अब इससे ज़्यादा कठोर कोई क्या होगा लेकिन समाज उसके बाद भी अगर निरंकुशता के उस दौर में पहुंच गया है कि वो तो वहाँ पर भी सुनने को तैयार नहीं है तो शायद खाली पुलिसिंग से कुछ होगा नहीं निर्भया कांड के बाद आपने फांसी वांसी के प्रावधान भी कानून में डाल दिए ये उम्मीद दुनिया भर में जताई गई कि भाई अब फांसी हो गई है तो इससे प्रभाव होगा कहाँ हुआ उसके बाद भी निर्भया जैसे हम कई और घटनाक्रम देश के अलग अलग भागों में देख चुके हैं ये स्थापित बातें हैं कि आप सिर्फ कानून से कठोर कानून से कठोर सज़ा से आप चीज़ों को सिर्फ इससे मैं सिर्फ बोल रहा हूँ ये ज़रूरी है पर सिर्फ इनसे आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते इट शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स उस राज्य में क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए ये यूपी में है मुझे पता है जीरो टॉलरेंस ठीक है अब आपको समय समय पर ऐसा नहीं है उस जो राजनीतिक दल सत्ता में है उसके क्योंकि नीचे का पॉलिटिकल कार्डर तो वो सेम होता है वो जब जो सरकार आएगी वो झंडा बदल के वो उस पार्टी के हो जाएंगे उनका व्यवहार नहीं बदलता तो वो कभी फंसेंगे तो वो कभी इस पार्टी में थे कभी उस पार्टी में थे कभी उस पार्टी में थे सवाल वो नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल नीचे का जो पूरा ब्रॉड जो भी एक तरह से एक्सपेंशन है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है वो नहीं बदलता ऐसे में एक बात जो समझने वाली है वो ये कि आप स्ट्रिक्ट लॉज से लॉ की एनफोर्सिबिलिटी से लॉ एनफोर्सिबिलिटी में पुलिस आ जाती है पुलिस को सेंसिटाइज करना अब इसी मामले में उन्होंने एफआईआर लिखने से काफ़ी वो करी ये रिफॉर्म ज़रूरी है कि आप जो महिला थाना की संकल्पना है एवरी पुलिस स्टेशन शुड है ऐसे जब महिलाओं के विरुद्ध अपराध की बात आए तो वो उसमें एक पक्ष हो ये सब चीज़ें ही अभी हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए ये सब एक पैरल एक लड़ाई है ये धीरे 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 देश का जैसा माहौल है उस हिसाब से आगे बढ़ेगी इसको जितनी तेजी से आगे बढ़ाया जा सके आप एम्पावर करो वेमेन को आप ओवरऑल विमेन सिक्योरिटी के लिए बाकी जितने एस्पेक्ट हो सकते हैं आप करो ये सब एक तरफ है लेकिन आप इस नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की जो सदस्य हैं इन्होंने जो सलाह दी इन्होंने जो बोला आप इसको अगर इनकी टाइमिंग गलत है ये कैसी राजनेता है मुझे नहीं पता हो सकता है ना भी हो नेता खाली विमेन इश्यूज में काम करती हूँ टाइमिंग गलत है लेकिन आप ये सोचिए कि क्या हर माँ इस देश में किसी भी मतलब एक आध बम्बे वॉम्बे छोड़ दीजिए जहाँ पर ऐसी ऐसी मानसिकता नहीं है या कुछ साउथ इंडियन स्टेट्स होंगे हर माँ क्या अपनी बेटी को यही नहीं बोलती होगी कि भाई आठ नौ बजे के बाद बाहर मत जाना क्या उसको आप ब्रांड करेंगे कि आप ओवरऑल uh, जो विमेन क्राइम अगेंस्ट विमेन है आप इसको लेकर सीरियस नहीं हैं तो ये तो नहीं माना जा सकता ना हाँ ये जिस जिम्मेदार पद पर हैं और ये गई थी वहाँ पर विक्टिम से मिलने परिवार से मिलने तो वहाँ पर ये बोलना टाइमिंग गलत है लेकिन इस बयान को ही मीडिया जिस तरह पूरा एक तरह से इसके ऊपर केंद्रित हो गया वो शायद ठीक नहीं है और इस बात को हमें देखना चाहिए ये कुछ डेटा वगैरह हैं इनका भी कोई खास अर्थ रह नहीं जाता जब तक ये पेट्रियरिकल माइंडसेट इसके ऊपर यथोचित प्रहार नहीं होगा पितृसत्ता पुरुष प्रधानता और एक तरह से इसको भी एजुकेशनल करिकुलम में जब तक नहीं डाला जाएगा तब तक आपको इन अपराधों का अंत नहीं दिखेगा समस्या हमारी आपकी सोच में है हम आप नॉर्मली कन्फॉर्मिस्ट होते हैं मतलब जो समाज की व्यवस्था है उसको मानने वाले लेकिन अंदर स्ट्रक्चर सबके वही बने हुए हैं अब इसी स्ट्रक्चर में जो डिविएंट होते हैं जो विचलनकारी तत्व असामाजिक तत्व जिनको कहते हैं आपराधिक तत्व वो जब इस पेट्रियार्की के वायरस से जब उनके अंदर संक्रमण होता है वही लोग ऐसी मानसिकता के साथ ये कोई सामान्य अपराध नहीं है बात को समझिएगा रेप की रेप बलात्कार इसकी अपनी एक सोशियोलॉजी है जिसे आप जरूर पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए इन द सेंस कि निर्भया कांड पे काफ़ी अच्छे अच्छे विश्लेषणात्मक वो आए कि वो मानसिकता क्या होगी जिसने उस अपराध को आ, किया तो ये सब चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप आ, इंडिया की सोसाइटी के काफ़ी डीप रूटेड जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप समझ सकते हैं तो उसको थोड़ा सा देखिएगा एक आज हिंदू में ही धार्मिक आज़ादी को लेकर एक अच्छा विषय मुझे दिखा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा कन्फेशन के खिलाफ एक याचिका दायर करने का प्रयत्न था थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने पहले नानुकुर किया कि भाई ये तो धार्मिक मसला है हमको क्यों इसमें ला रहे हो लेकिन मुकुल रोहतगी साहब और जो अटॉर्नी जनरल हैं वेणुगोपाल साहब इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह मुतासर किया संतुष्ट किया कि नहीं ये बड़ा मसला है और आप सुन रहे हैं ऐसे मसले तो इसको भी सुनिए और इस पर अपना निर्णय दीजिए तो इस पर आगे सुनवाई होगी मामला क्या है मैं आपको संक्षेप में बताने की कोशिश करता सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली अगेंस्ट कन्फेशन सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल तीन हफ्ते के बाद एक पिटिशन जो कि कुछ महिलाओं के एक समूह ने दाखिल की थी और उनकी पीड़ा क्या है कि ईसाई धर्म में खास तरह का सेक्ट है एक पंथ है जहाँ पर कन्फेशन को कन्फेशन देखा होगा आपने फिल्मों में है तो कन्फेशन का एक और वो होता है जिसमें कि जो ओवरऑल जो आ, प्रीस्ट होता है जो प्रमुख होता है चर्च का वो सारी जो नंस वगैरह जो काम करती है उनका भी कन्फेशन लेता है कि उन्होंने कुछ भी गलती करी हो तो ये कंपलसरी होता है सेक्रेट कन्फेशन ठीक है और ये प्रीस्ट को क्रिश्चियनिटी में कुछ सेक्ट्स हैं जहाँ पर ये कंपलसरी कम, है तो वो महिलाएं कोर्ट के पास आई कि इसको कंपलसरी जो नेचर है कन्फेशन का इसको बंद किया जाना चाहिए क्यों और ये मुख्य न्यायाधीश बोबदे साहब के पीठ में ये फैसला ये मसला था तो मुकुल रोहतगी साहब ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा कि ये जो कन्फेशन की प्रक्रिया है इसका दुरुपयोग होता है इसको एब्यूज किया जाता है चीफ जस्टिस बोब्दे साहब ने कहा कि भाई ये तो अलग अलग केसेस में अलग अलग फैक्ट्स होंगे आप इन जनरल कैसे कह सकते हैं ये तो एलिगेशन से इन महिलाओं के कि इनके साथ हो सकता है गलत हुआ हो बट आप कह रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया ही बंद करा दो कन्फेशन कंपल्सरी रहे ही ना तो इसको कैसे तय करेंगे कि हमेशा दुरुपयोगी होता है और देयर के नॉट बी अ रूल टू इम्पोज कन्फेशन ऑन अ वर्शिप लेडीज आर फोर्स टू कन्फेस बिफोर द प्रीस्ट द कोर्ट हैज टू सी वेदर कन्फेशन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन देखिए अल्टीमेटली धार्मिक मसलों पर हमेशा सुप्रीम कोर्ट एक बिंदु पर आकर टिक जाता है और वो बिंदु होता है कि भाई ये धर्म से जुड़ा मसला है और धार्मिक आजादी हमारा संविधान अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक देता है व्यापक धार्मिक स्वतंत्रता है तो हमें धार्मिक मसलों में मत खींचो धर्म अंतकरण की स्वतंत्रता का मामला है लोगों को अंतकरण के हिसाब से इस आजादी का सुख लेने दो लेकिन ये धार्मिक स्वतंत्रता कई सारे युक्तयुक्त निर्बंधनों के अधीन है तो उसी बात को मुकुल रोहतगी ने रखा अपनी जो उनकी क्लाइंट्स थी या महिलाएं उनके बेसिस पर कि ऐसा कोई रूल कैसे बन सकता है इस देश में जहां कन आप महिलाओं को भी बलपूर्वक फोर्स किया जाता है कि वो कन्फेस करें प्रिस्ट के सामने और आप सिर्फ इतना करिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा आप सिर्फ इतना करिए ना जो आपका एक सबसे बड़ा फैसला है धार्मिक आज़ादी को लेकर कि कोई भी धर्म केंद्रित ऐसी परंपरा रीति रिवाज कर्म कांड जो सामाजिक का अव्यवस्था या किसी और संवैधानिक जो मूल अधिकार है उसके विरोध में हो उस पर आप फैसला दे सकते हैं बस आपको सिर्फ एक चीज देखनी है अगर वो परंपरा रीति रिवाज कर्म कांड अगर वो किसी धर्म का इंटीग्रल पार्ट है उसका ऐसा अविभाज्य हिस्सा है उस धर्म से ऐसा जुड़ा हुआ है वो कर्मकांड रीति रिवाज प्रथा कि अगर उसको हटा दें तो उस धर्म का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि हम प्रहार नहीं करेंगे ठीक है और ये बड़ा विवादित मसला है पॉलिटी में आप पढ़ते होंगे सबरीमाला में जो लॉर्ड अयपन के गर्भगृह तक महिलाएं जा सकती हैं एक उम्र विशेष की कि नहीं सुप्रीम तो कोर्ट सुन रहा है ना मामला या इसी तरह के जैन धर्म में संथारा प्रथा को हम तर्क संगत माने संवैधानिक माने नहीं। तो कि नहीं क्योंकि आप कहते हैं आत्महत्या अपराध है देश में लेकिन कोई अन्य जल त्याग दे तो वो भी तो आत्महत्या के बराबर है तो क्या संथारा आत्महत्या नहीं है तो कैसे आप कहेंगे कि ये आपकी दंड संहिता में इसमें सजा नहीं मिलेगी इन सब विषयों पर सुप्रीम कोर्ट जब अंततः जब निर्णय देने की स्थिति में आया तो उसने क्या तय किया उसने तय किया कि अगर कोई भी ऐसा कर्मकांड रीति रिवाज प्रथा उस धर्म का अनिवार्य इंटीग्रल मतलब कि उस धर्म के साथ जुड़ा हुआ इस तरह है कि उसको हटाया तो धर्म ही छिन्न भिन्न हो गया तब तो नहीं टिप्पणी करेगा सुप्रीम कोर्ट ठीक है लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो धार्मिक मसलों पर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर सकता है और जब भी सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर कहा पटाखे नहीं जल सकते तो इसी आधार पर कहा कि पटाखे जलाना अगर हिंदुओं के लिए दिवाली बहुत बड़ा एक मसला है तो क्या पटाखे जलाए बिना क्या दिवाली दिवाली नहीं रहेगी और फिर हिंदुओं की जो धार्मिक श्रद्धा के प्रतीक हैं क्या वो नहीं रहेंगे तो कोर्ट ने माना नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है जब दिवाली का मूल जो स्वर था उस समय तो ओवरऑल बात वैसी ही थी ना कि तब कौन से पटाखे होते थे दिए जलाओ दिया और खुशी मनाओ खुशी मनाना आपका मूल अधिकार है वो आपके धर्म का अनिवार्य हिस्सा है प्रदूषण क्यों फैलाते हो ठीक है अब ये विवादित रहा मुद्दा लेकिन ब्रॉडली हमको यहां ये समझना चाहिए कि अब कोर्ट ये देखेगा कि ये जो कन्फेशन की प्रक्रिया है ये क्या उस धर्म के उस खास पंथ का कोई इंटीग्रल पार्ट है अगर नहीं है तो फिर उसके ऊपर अपनी टिप्पणी देगा याचिकाकर्ताओं ने यह भी बोला कि इस तरह के फोर्ड कन्फेशन जो है वो निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं तो इसको भी कोर्ट अब देखेगा अब किसी को अगर बलपूर्वक कहो कि तुमको कन्फेस करना है हो सकता है वो निजता में माने कि हमको नहीं कन्फेस करना हम नहीं इस चीज़ को करना चाहते तो बेसिकली राइट टू प्रिवेसी पर भी इस पूरे विषय की पड़ताल होगी ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर देखनी चाहिए ठीक है तो ये भविष्य में अब तीन हफ्ते के बाद ये सुना जाएगा तब इस विषय पर आगे और बात हम करेंगे ठीक है ये पूरा ये जैकोबाइट ऑर्थोडॉक्स डिस्प्यूट है इसमें बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाना सिर्फ नाम बता दिया है ज्यादा इसको नहीं पढ़ना है पुरानी लड़ाई है क्रिश्चियनिटी में भी एक ये मालंकर सीरियन चर्च है हर धर्म में अंदर धाराएं बटी हुई है ना तो मालंकर सीरियन चर्च जो है केरला में उसने पहले भी मांग करी थी ये जो कन्फेशन हैं फोल्ड इनको असंवैधानिक घोषित किया जाए लेकिन उस समय भी इस बात बारे में कोर्ट ने कोई बहुत ज्यादा संज्ञान नहीं लिया था केरल हाई कोर्ट ने भी इसको टर्न डाउन कर दिया था अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर क्या फैसला लेता है ठीक है चलो भाई आज की यात्रा को यहीं रोकते हैं सेंचुरी बन गई आज है ये कौन है भाई ओम प्रकाश रेगर जी बहुत डिसलाइक कर रहे हैं मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है मेरे भाई वही होता है जो मंजूर खुदा होता है ठीक है इतनी मेहनत यहाँ क्यों कर रहे हो तुम्हारे डिसलाइक करने से क्या होगा डिसलाइक करना है? निकल ले पतली गली से है अब इसमें ओवरऑल कई लोग हैं ऑफलाइन में दो चार लोग आते रहते हैं ठीक है वो यहीं भड़ास निकालने आते हैं कि ये मौका मिला है इनको यहाँ आके चलो भैया तुम गए ब्लॉक थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच चलो कल कल नहीं ओवरऑल कल आप लोग उसमें मिलते हैं स्पेशल क्लास में आइए ठीक है स्पेशल क्लास में हम लोग कल बात करेंगे इस पूरे हफ्ते के प्रिलिम्स के इश्यूज की तो बहुत काम का आपके लिए है और ओवरऑल अपवाद नहीं होते हैं नीरज भारद्वाज सौ होते ही इसलिए आए हैं ये सब किराए के लोग हैं अभी समझे नहीं तुम ऑनलाइन का खेल ठीक है ऑनलाइन का खेल तुम समझे नहीं अभी कई मास्टर अपना पूरा वृंद बनाए हुए हैं कहीं देखे अरे ये तो अभी तक भागे नहीं ऑनलाइन से चलो भैया इनके लिए कुछ करते हैं चलो मजे करो तुम लोग निपटना आता है ऐसे आतंकवादियों से चलो बाय बाय गुड नाइट